इस फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक जादूगर जिसका नाम काइसिलियस है, वो अपने चेलों के साथ कमताज में मौजूद एक जादुई टेंपल की लाइब्रेरी से कुछ जादुई रस्में चुराने पहुंचता है और उस लाइब्रेरी के मास्टर को जान से मार के सदियों पुरानी और बेशकीमती जादुई किताब से कुछ खास रस्में चुरा के वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी काइसिलियस को रोकने के लिए कमताज की गुरुमा वहां अपने जादू से उन लोगों को एक कांच की दुनिया में ले जाती है और उन लोगों को वो जादुई रस्में ले जाने से रोकने के लिए अपनी रहस्यमय कला से उस जगह को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर देती है, जहां उस शहर की सारी दीवारों और ऊंची इमारतों का आकार गुरु माँ के हिसाब से बदलने और चलने लग जाता है। तभी वहां वो काइसिलियस और उसके लोगों को रोकने के लिए उनसे फाइट भी करती है, लेकिन गुरु माँ उनको रोकने में नाकाम हो जाती है, क्योंकि काइसिलियस भी रहस्यमय जादुई कला का मास्टर होता है। तो वो अपने जादू से वहां दूसरी जगह जाने का एक पोर्टल खोलता है और वहां से अपने साथियों के साथ भाग जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में एक बहुत ही काबिल और मशहूर सर्जन जिसका नाम डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज है, वो न्यूयॉर्क का सबसे काबिल सर्जन होता है, जो एक नामुमकिन केस जिसमें पेशेंट के सर में गोली लग जाने की वजह से सारे डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दे दिया था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी काबिलियत से उस पेशेंट का ऑपरेशन करता है और उसको मरने से बचाता है, जिसका जिंदा बचना नामुमकिन था। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने घर से तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट की वजह से उसके हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और हाथों की सारी हड्डियां भी टूट जाती हैं, लेकिन वो मरने से बच जाता है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर काफी ऑपरेशंस के बाद उसके हाथ की हड्डियां जोड़ने के लिए काफी सारी रॉड्स उसके हाथ में लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ पहले जैसे नहीं रहते और उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। अपने हाथों की खराब हो जाने की वजह से अब वो अपना काम और पहले की तरह ऑपरेशंस भी नहीं कर सकता था, तो वो अपने हाथों को ठीक करने के लिए हर मुमकिन इलाज करवाता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ ठीक नहीं हो पाते, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन फिर एक दिन उसको किसी से पता चलता है कि एक इंसान जिसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी, जिसकी वजह से वो अपने पैरों से माजूर हो चुका था, लेकिन नेपाल में कमताज नाम के एक टेंपल में उसका इलाज हुआ था, जिसके बाद वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो गया था और पहले की तरह चलने लग गया था। तो फिर दिखाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने हाथों का इलाज करवाने के लिए नेपाल पहुंच जाता है और वहां पे वो टेंपल ढूंढ रहा होता है, तभी वहां के कुछ चोर डॉक्टर को लूटने के लिए उसको रोक लेते हैं और डॉक्टर के मना करने पे उसको मारने लग जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम मोर्डो है और वो उन चोरों से डॉक्टर को बचाता है। मोर्डो को पता होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वहां उस टेंपल जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, तो मोर्डो उसको अपने साथ उस टेंपल जिसका नाम कमताज है वहां ले जाता है, क्योंकि वो खुद भी उस टेंपल का एक जादूगर होता है। कमताज पहुंचने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वहां की महागुरु से मिलता है और उनसे उस आदमी के बारे में पूछता है जिसका इलाज करके उसको बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो वो गुरु डॉक्टर को बताती है कि मैंने उसका इलाज बस इतना किया कि उसको यकीन दिलाया कि वो ठीक हो सकता है और उसकी रूह ने खुद उसकी बॉडी का इलाज किया। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो ये सब रूह और आत्मा की बातों पे यकीन नहीं रखता था। उसका यकीन सिर्फ काबिलियत और मेडिकल साइंस पे होता है, जिसके बाद वो गुरु डॉक्टर को अपनी रहस्यमय कला से मार के उसकी रूह को एक पल के लिए उसकी बॉडी से बाहर ढकेल कर रूहानी दुनिया में भेज देती है। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब सच्चाई खुद अपनी आंखों से देखता है, तो उसको लगता है कि गुरु ने उसके साथ कोई जादू किया है, जिसके बाद फिर से महागुरु डॉक्टर स्ट्रेंज को इस दुनिया और इस ब्रह्मांड की सच्चाई बताने के लिए उसको हर वो सच्चाई दिखाती है जो इस दुनिया में रहने वाले लोगों में से किसी को भी मालूम नहीं होती, कि इस दुनिया के अलावा और भी कितने रहस्यमय राज हैं और इस ब्रह्मांड में मौजूद कितनी खतरनाक ताकतें हैं जो इस दुनिया को एक पल में ही खत्म कर सकती हैं। जहां उसको ये भी समझाती है कि इंसान सिर्फ वो चीजें देखता और समझता है जो वो खुद अपनी आंखों से देख लेता है। इस सब से गुजरने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को रूह और आत्मा की एनर्जी और गुरु माँ की बातों पे यकीन हो जाता है, तो वो गुरु से ये सब सीखने का बोलता है, लेकिन गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को सिखाने से मना करके उसको उस टेम्पल से निकाल बाहर करती है।
डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसकी जिंदगी में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा होता, वो उसी दरवाजे पर बैठा रहता है और काफी देर बाद गुरु माँ उसको टेंपल में बुला लेती है और उसको सिखाने के लिए मान जाती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस टेंपल के अंदर वहां की जादू और रहस्यमय कला सीखने में अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसको लगता है कि उसके हाथों की खराबी की वजह से वो कुछ सीख नहीं पा रहा। तभी गुरु माँ वहाँ आती है और वहाँ एक माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए जादुई पोर्टल खोलकर डॉक्टर को अपने साथ ले जाती है और वहाँ उसको खुद पे भरोसा दिलाने के लिए अकेला छोड़कर और वो पोर्टल बंद करके वापस आ जाती है। उस ठंड में इंसान ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा जिंदा रह सकता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी वापस टेंपल जाने के लिए जादुई पोर्टल बनाने की काफी देर कोशिश करते रहने के बाद पोर्टल बनाकर वापस उस टेंपल पहुंच जाता है, जिसके बाद उसको हर कला और अलग अलग रस्में सीखने की चाह और बढ़ जाती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उस टेंपल की लाइब्रेरी से अलग अलग जादू की किताबें लेने जाता है, जहां के मास्टर का नाम वांग होता है। डॉक्टर अपनी काबिलियत से बहुत तेजी से जादुई कलाएं सीख रहा होता है और वक्त से पहले मायावी शक्तियों की कला में महारत हासिल कर चुका होता है। जिसके बाद गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रैक्टिस के लिए उसको कांच की दुनिया के पार ले जाती है, क्योंकि उस दुनिया के अंदर जो भी होता है उसका असर असली दुनिया पे नहीं पड़ता। जिसके बाद स्ट्रेंज अपनी प्रैक्टिस करता रहता है और ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए दोबारा उस लाइब्रेरी से किताबें लेने जाता है। लेकिन उस दिन लाइब्रेरी में वांग के ना होने का फायदा उठाते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु माँ की निजी किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश करता है, जिसमें से कुछ रस्में कैसिलियस ने शुरू में चुरा ली थी और उस किताब में उसको टाइम स्टोन की कुछ रस्में मिलती हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी में रखा हुआ टाइम स्टोन उठाकर पहन लेता है और किताब में लिखी रस्मों की मदद से टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके समय को अपने हिसाब से आगे पीछे करता है और उसी टाइम स्टोन की मदद से वो समय में पीछे जाकर उस किताब की चुराई गई रस्मों को देखता है, जहां वो अंधेरी दुनिया और डोरमामो के बारे में पढ़ता है, जो ब्रह्मांड में मौजूद सारे प्लैनेट्स का विनाशक है। इतने में वहां मोर्डो और वांग आ जाते हैं और उसको वो रस्में करने से रोकते हैं और उसको समय के साथ छेड़छाड़ करने का नुकसान बताते हैं कि इन रस्मों की वजह से दुनिया हमेशा के लिए समय के बीच फंस सकती है और ये दुनिया डोरमामो का बहुत आसान शिकार बन सकती है। ये सब समझाने के लिए वांग डॉक्टर स्ट्रेंज को अंधकाल में रहने वाले खतरों के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि दुनिया के जाहिरी खतरों से तो हर कोई मुकाबला कर सकता है, लेकिन हम लोग इस दुनिया को अंधेरी दुनिया और अंधकाल के हमलों से बचाते हैं। नेपाल में मौजूद कमताज की तरह न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग में भी हमारे टेंपल मौजूद हैं। हम सब मिलकर दुनिया के ऊपरी हिस्से में एक सुरक्षा कवच बनाकर दुनिया को अंधेरी दुनिया और अंधकाल के रहस्यमय खतरों से बचाते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताते हैं कि अंधेरी दुनिया में रहने वाला डोरमामो दुनियाओं का विनाशक है और हमारी दुनिया के लिए उसकी भूख सबसे ज्यादा है, और कैसिलियस ने जो रस्में चुराई थी उसमें डोरमामो की पावर और अंधेरी दुनिया को खींचने के मंत्र लिखे थे। इतने में अचानक लंदन के टेंपल का दरवाजा खुलता है, जहाँ का मास्टर मारा जाता है, और वहाँ कैसिलियस अपनी जादुई ताकत से एक धमाका करता है, जिसकी वजह से लंदन का टेंपल तबाह हो जाता है और धमाके की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क के टेंपल में जा गिरता है और वहाँ निकलकर देखता है तो वो न्यूयॉर्क में मौजूद होता है। फिर उस टेंपल में वहां के मास्टर को ढूंढ रहा होता है, तभी कैसिलियस वहां भी आ जाता है और उस टेंपल के मास्टर को मार डालता है, जिसके बाद कैसिलियस और उसके चेले डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसिलियस और उसके लोगों से बहुत मार खाता है, लेकिन फिर भी उनसे लड़ता रहता है। कैसिलियस उसको अपनी जादुई ताकतों से उलझा कर उस टेंपल की दीवारों को अपने हिसाब से घुमाने लग जाता है, तो डॉक्टर उससे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैसिलियस उसको मारने के लिए पकड़ लेता है और जब उसको जान से मारने ही वाला होता है तो उस टेंपल में मौजूद एक जादुई चोला डॉक्टर को मरने से बचाता है और कैसिलियस से बचने में और उसको मारने में भी मदद करता है। फिर वो जादुई चोला डॉक्टर से कैसिलियस पे जकड़ने वाला फंदा लगवा कर कैसिलियस को जकड़वा देता है, जिसके बाद कैसिलियस डॉक्टर को अनंत जिंदगी की दावत देता है और उसके साथ मिलकर अंधेरी दुनिया का हिस्सा बनने का बोलता है। तभी कैसिलियस का एक चेला डॉक्टर स्ट्रेंज पे पीछे से वार करता है और उसको बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। फिर जब वो आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज को जान से मारने आ रहा होता है, तब दोबारा डॉक्टर स्ट्रेंज का जादुई चोला उसकी जान बचाता है और उस आदमी के चेहरे पर लिपट कर उसको मारना शुरू करता है। इतने में डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पे अपने हॉस्पिटल के लिए एक जादुई पोर्टल खोलता है और वहां पे अपनी दोस्त
डॉक्टर पाल्मर को मदद के लिए बुलाता है, जहां वो उसको फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाने का बोलता है क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम होता है। जब वो उसको ऑपरेशन थिएटर लेकर पहुंचती है तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बेहोश हो जाता है, तो वो अपनी बॉडी से निकलकर रूहानी दुनिया में आ जाता है और डॉक्टर पाल्मर से खुद को जिंदा रखने का बोलता है। इतने में वो आदमी भी अपनी बॉडी से निकलकर रूहानी दुनिया में आ जाता है और उसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म करने पहुंच जाता है। तो फिर वहां डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा उससे लड़ता है और जब पाल्मर डॉक्टर स्ट्रेंज को जिंदा रखने के लिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक देती है तो उसकी पावर से रूहानी दुनिया में डॉक्टर स्ट्रेंज उस आदमी को खत्म कर देता है और वापसी अपनी बॉडी में आकर उठ जाता है। फिर उस हॉस्पिटल से वापस न्यूयॉर्क के टेंपल पहुंचता है तो वहां देखता है कि कैसिलियस उस फंदे की कैद से भाग चुका है। तभी वहां मोर्डो भी आ चुका होता है, जहां वो बात करते हैं कि लंदन का टेंपल तबाह होने के बाद अब इस दुनिया को सिर्फ न्यूयॉर्क और हांगकांग का टेंपल ही बचा सकता है। तभी दोबारा न्यूयॉर्क के टेंपल को तबाह करने के लिए कैसिलियस और उसके लोग टेंपल को जादुई ताकत से तबाह करने ही वाले होते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से टेंपल को कांच की दुनिया के पार ले जाता है, जहां उस टेंपल और असली दुनिया को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन कैसिलियस दोबारा सारी दीवारों और चीजों को अपने जादू से चलाना शुरू कर देता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज और मोर्डो उस टेंपल से बाहर भाग जाते हैं, जहां पे वो पूरा शहर कैसिलियस के मुताबिक आकार बदल रहा होता है। हर ऊंची इमारतों को वो अपनी मर्जी के मुताबिक आकार दे रहा होता है ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज को भागने से रोक सके। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज और मोर्डो किसी तरह खुद की जान बचाते हुए वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन कैसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के लिए पकड़ लेता है। तभी गुरु माँ वहां आकर डॉक्टर को मरने से बचा लेती है और कैसिलियस से मुकाबला करती है और वहां उससे और उसके चेलों से अकेले लड़ती है। लेकिन कैसिलियस धोखे से गुरु माँ को खंजर मार देता है और उसको एक जादुई पोर्टल में ढकेल देता है, जो एक ऊंची जगह से वो जमीन पे आकर गिरती है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज गुरु को जाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पे गुरु अपनी बॉडी से रूहानी दुनिया में चली जाती है, जिसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज भी जाता है और उनको वापस अपनी बॉडी में जाने का बोलता है क्योंकि गुरु के पास ज्यादा वक्त नहीं होता। तो वहाँ गुरु माँ डॉक्टर स्ट्रेंज को इस दुनिया को डोरमामो से बचाने और उस टाइम स्टोन को महफूज रखने की जिम्मेदारी देकर चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसिलियस अपने चेलों के साथ हांगकांग का टेंपल तबाह करने के लिए वहां पहुंच जाता है, जिसको रोकने के लिए वोंग टेंपल के लोगों के साथ तैयार होता है और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के टेंपल में डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्डो के साथ हांगकांग के टेंपल पहुंचता है, तो तब तक वहां का टेंपल भी तबाह हो चुका होता है और अंधेरी दुनिया का साया भी दुनिया से बहुत करीब आ चुका होता है, जो किसी भी वक्त दुनिया को निगल सकता है। और सामने वो कैसिलियस को भी अपनी तरफ आता हुआ देखता है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज दुनिया को बचाने के लिए टाइम स्टोन की मदद से समय को पीछे ले जाने का जादू कर देता है, जिसके बाद समय वापस पीछे जाना शुरू हो जाता है और मोर्डो और डॉक्टर स्ट्रेंज टेंपल की तरफ भागते हैं। इतने में कैसिलियस और उसके लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के समय चक्रव्यूह का जादू से निकल आते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने के लिए उसको मारने की कोशिश करते हैं। उनकी लड़ाई के साथ साथ टाइम स्टोन की मदद से समय वापस पीछे जा रहा होता है और जो तबाही वहां पहल चुकी थी वो वापस पहले जैसी हो रही होती है और अंधेरी दुनिया भी वापस पीछे हट रही होती है। तभी कैसिलियस अपनी जादुई ताकत से डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज दूर जा गिरता है और उसका लगाया हुआ टाइम स्टोन का जादू भी टूट जाता है और समय वहीं पे रुक जाता है। और फिर जब कैसिलियस उसको मारने आ रहा होता है तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ सोचता है और उड़ता हुआ वहां से भाग जाता है और डोरमामो से मिलने उस अंधेरी दुनिया में चला जाता है। और डोरमामो तक पहुंचने से पहले वो अपने टाइम स्टोन के जरिए समय का एक चक्रव्यूह बना देता है और उसके बाद डोरमामो से बात करने पहुंचता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूं। जिसके बाद डोरमामो डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि तुम सौदा करने नहीं यहां मरने आए हो, और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को जान से मार डालता है। जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज मरता है तो समय दोबारा पीछे जाना शुरू हो जाता है और फिर दोबारा उस वक्त से शुरू होता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामो से बात करने पहुंचा था और फिर दोबारा बोलता है कि मैं तुमसे सौदा करने आया हूं। जिसके बाद डोरमामो देखता है कि ये वक्त दोबारा कैसे चल रहा है, लेकिन फिर भी दोबारा डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है। तो फिर से समय पीछे चला जाता है और फिर से वो डोरमामो से मिलने आता है और उससे सौदा करने का बोलता है। तो डोरमामो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बताता है कि मैंने तुम्हें और खुद को इस पल में कैद कर दिया है और अब जब तक तुम मुझसे सौदा नहीं करोगे मैं तुम्हें इस कैद से आजाद नहीं करूंगा। जिसके बाद डोरमामो गुस्से में दोबारा उसको मार देता है और
काफी देर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारते रहने के बाद इस बार डॉर्मामो उसको बोलता है कि बंद करो ये सब और मुझे इस समय के जाल से आजाद करो। तो फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बोलता है कि मैं यहाँ तुमसे सौदा करने आया हूँ, जिसके जवाब में डॉर्मामो बोलता है कि क्या चाहते हो तुम। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बोलता है कि तुम्हारे चेले कैसीरियस और उसके लोगों को इस दुनिया से दूर ले जाओ, मेरी दुनिया पे अपने हमले बंद करो और कभी मेरी दुनिया की तरफ वापस मत आना। अगर ये सब तुम्हें मंजूर है तभी मैं इस समय के चक्रव्यूह को तोड़ूंगा। जिसके बाद दिखाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वापस जमीन पे पहुंचता है और तब कैसीलियस और उसके चेलों को अंधेरी दुनिया में खींच लिया जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वक्त को दोबारा पीछे ले जाता है और उस टेम्पल को तबाह होने से पहले वाली हालत में कर देता है और समय को फिर से ठीक करके छोड़ देता है। और आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज उस टाइम स्टोन को हिफाजत से न्यूयॉर्क के टेम्पल में रख देता है और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।